आज हम लोग बात करेंगे टॉन्सिल के बारे में। टॉन्सिल क्या होता है, अगर इनमें इन्फेक्शन हो जाता है तो इसे कैसे ठीक करें, इसके लक्षण और इसके सिम्टम क्या प्रोड्यूस होते हैं। दोस्तों, जो टॉन्सिल जो होता है ये नॉर्मली हमारे मुख के पिछले हिस्से में पाया जाता है। इसका काम क्या होता है, इन्फेक्शन से हमें बचाने का काम करता है। ये हमारे जो बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम होते हैं उनसे जुड़ा होता है, यह इन्फेक्शन को किल करने में हमारी हेल्प करता है। तो जब इनमें खुद इन्फेक्शन जब हो जाता है टॉन्सिल में, यही टॉन्सिलाइटिस के रूप में हमारे बॉडी को इफ़ेक्ट करता है। टॉन्सिलाइटिस जो कि एक इन्फ्लामेशन होता है टॉन्सिल का, इसे खासकर इसमें जो सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं, गले में खराश होती है, गले में दर्द महसूस होता है, खाना निकलने में प्रॉब्लम होती है, हमारी टॉन्सिल जो होती है रेड हो जाती है, सिर दर्द, ये सब सिम्टम के साथ ये प्रोड्यूस होते हैं। जैसे पहला एक्यूट टॉन्सिलाइटिस, एक्यूट टॉन्सिलाइटिस जो होता है ये अचानक किसी तरह के इन्फेक्शन के कारण, वायरल इन्फेक्शन मिलने के कारण जो टॉन्सिल में इन्फेक्शन हो जाता है इसे एक्यूट टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस दोस्तों, जब क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस तब होता है जब एक्यूट जो इन्फेक्शन होता है बार बार अगर इफेक्ट कर रहा हो, यही कन्वर्ट हो जाता है क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस में। तीसरी वेराइटीज होती है पेरी टॉन्सिलर एब्सेस, जब टॉन्सिल में पस जमा होने लगते हैं इन्फेक्शन के कारण तो उसे पेरी टॉन्सिलर एब्सेस बोलते हैं। नेक्स्ट वेराइटी दोस्तों स्ट्रेप थ्रोट, स्ट्रेप थ्रोट जो होता है ये खासकर जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो होता है उसके कारण ये सिम्टम प्रोड्यूस होता है। इसमें गले में खराश होती है और बहुत ज़्यादा उसमें दर्द के साथ फीवर प्रोड्यूस होता है। ये कुछ वेराइटियाँ थी उनके। अब जानते हैं इसमें लक्षण क्या है। लक्षण में सबसे कॉमन लक्षण देखेंगे कि जो टॉन्सिल होगा वो रेड हो जाता है, बहुत ज़्यादा दर्द होती है और खाना निकलने समय बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। उसके साथ गर्दन में दर्द होती है, अकड़न हो जाती है, सिर में दर्द होता है। बच्चों के केस में खासकर देखते हैं कि बच्चों के केस में पेट में भी दर्द शुरू हो जाता है। उस समय बच्चे खासकर चिड़चिड़े हो जाते हैं, खाना नहीं खाना चाहते हैं। इस कंडीशन में आप सोच सकते हैं कि टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम तो यहाँ पर नहीं है। अब इसके कारण देखते हैं। कारण में सबसे ज़्यादा कॉमन कारण जो होता है वायरल इन्फेक्शन होता है। वायरल इन्फेक्शन में कॉमन जो एडिनो वायरस, राइनो वायरस कुछ वायरस हैं जो खासकर इसको इफेक्टेड करते हैं टॉन्सिल को। और बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया कॉमनली इफेक्ट नहीं करता, लेकिन कुछ जैसे स्ट्रेप्टोकोकस जो होते हैं जो स्ट्रेप थ्रोट प्रोड्यूस कराते हैं, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं जो ये सिम्टम प्रोड्यूस कराते हैं उनमें इन्फेक्शन प्रोड्यूस कराते हैं टॉन्सिल में। मैनेजमेंट में दोस्तों बच्चों को साफ़ सफाई के लिए कहें, अगर बच्चों को अगर टॉन्सिल का इन्फेक्शन हो गया है तो उन्हें साफ़ सफाई का ज़्यादा ध्यान रखिए। अगर शौचालय यूज़ करते हैं खाने से पहले उनको हाथ अच्छे से उनके धो दिया करें। ये सब इनके मैनेजमेंट थे खासकर बच्चों में, क्योंकि बच्चों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ने के चांसेस रहते हैं। और ये खासकर जो होता है ये प्रॉब्लम जो होती है बच्चों को ज़्यादा इफेक्टेड करती है, बड़ों में होता है लेकिन कॉमनली ये बच्चों को ज़्यादा इफेक्टेड करते हैं ये प्रॉब्लम। अब जानते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जिसके थ्रू हम इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। वैसे तो दोस्तों ये वायरल इन्फेक्शन होता है खुद से 7 से 10 दिन में चला जाता है, लेकिन आप अगर इसके साथ में मेडिसिन लेते हैं तो जो एक्स्ट्रा जो कॉम्प्लिकेशन जो समस्या बॉडी में प्रोड्यूस होनी होती है वो आपका नहीं होता, प्रॉब्लम समय से और नॉर्मली चली जाती है बॉडी से। दोस्तों मेडिसिन है एकोनाइट 30 बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है, खासकर तब जब यह अचानक की बीमारी अगर बॉडी में प्रोड्यूस हो जाती है, इन्फेक्शन अगर अचानक बॉडी में आ जाता है और बहुत ज़्यादा उसमें दर्द होती है टॉन्सिल में और बहुत ज़्यादा बेचैनी हो जाती है, उस कंडीशन में आप एकोनाइट 30 का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन दोस्तों बेलाडोना 30 का उपयोग तब करेंगे जब वहाँ टॉन्सिल देखने में एकदम लाल हो गया हो, उसमें पूरी तरह से लाल दिख रहा हो, बहुत ज़्यादा उसमें पेन महसूस हो रहा हो और पेशेंट बेचैन हो दर्द के कारण, उस कंडीशन में आप बेलाडोना 30 का यूज़ करें, इससे आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन दोस्तों देखते हैं फाइटोलका 30 का प्रयोग तब करेंगे जब हमारा टॉन्सिल का जो उसमें दर्द जो होता है वो हमारे कानों तक रेडिएट करता है। जब वो हमारा टॉन्सिल का जो दर्द हो अगर हमारे ईयर तक रेडिएट करे, वहाँ तक चला जाए, उस कंडीशन में आप फाइटोलका को सोचते हैं। और फाइटोलका का पेशेंट जो होता है ठंडा पानी तो आराम से पी लेता है, आराम से उसको पीने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब गर्म पानी पीना चाहता है ये इस इन्फेक्शन में तो उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है, उस कंडीशन में आप फाइटोलका 30 को सोच सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन दोस्तों बैराइटा कार बहुत ही अच्छी मेडिसिन, खासकर जब ये क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस से बहुत ही अच्छी उपयोग होती है। और बच्चों के केस में देखते हैं अचानक जब कोल्ड के कारण, इन्फेक्शन के कारण अगर ये प्रॉब्लम अगर क्रिएट हो गई हो, ठंड लगने के बाद टॉन्सिल में इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन हो गया हो,
उसके साथ साथ जब खुली हवा में पेशेंट को अच्छा लग रहा हो तो उस कंडीशन का उपयोग करें, इससे काफ़ी आपको लाभ मिलेगा। नेक्स्ट मेडिसिन दोस्तों देखते हैं साइलिसिया। साइलिसिया 30 का प्रयोग तब करेंगे जब तब इंडिकेट होगा जब वहाँ पे साइलिसिया सीवियर टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम अगर हो गई से वो ब्रोकन हो गया हो, मतलब वो फट गया हो लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा, उस कंडीशन में साइलिसिया बहुत अच्छा वर्क करती है। मतलब कि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो, वहाँ पे जो एब्सेस था वो फट गया लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा हो, उस कंडीशन में आप साइलिसिया का प्रयोग करें, उससे आपको काफ़ी राहत मिलती है, काफ़ी ये फ़ायदा मिलेगा, आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो इन मेडिसिन का प्रयोग करके आप टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों आप अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि मेरी सारी लेटेस्ट अपडेट आपके पास आती रहे। थैंक यू फॉर